पहले से ही अपना दल और दो तीन दलों के साथ अपने जाते थे, ऑलरेडी थे। अब उनका नया क्षेत्रीय लोगों से उनकी दोस्ती करने का कोई ज्यादा औचित्य नहीं बनता था। उन्होंने उसी पुराने ही गेम पर दांव लगाया और जो हाल हुआ आपने देखा, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के जो वोट है वो सब जानते हैं कि वो ट्रांसफरेबल होता है। अगर मायावती कह देंगे, बसपा सुप्रीमो कह देंगे, तो वो ट्रांसफर वोट 100% ट्रांसफर हो जाता है। हालांकि चुनाव के पहले और आज सुबह मतगणना के पहले तक ये भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता इलाहाबाद से भी टीवी चैनल में कह रहे थे। अनिल केंकुर साहब, ये तस्वीरें मैं चाहूंगा, ऐतिहासिक तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं, वो अपने दर्शकों को दिखाएं। आप भी देखिए तस्वीरें, मायावती की आवाज की लाइव सीधी तस्वीरें आ रही हैं। अखिलेश यादव मिलने पहुंचे हैं मायावती से। तो अब ये मान लिया जाए उत्तर प्रदेश में जो एक फॉर्मूला बनाने की कोशिश की गई थी, जो एक टेस्ट किया गया था, वो टेस्ट पास हो गया है और अब ये टेस्ट बड़ा लंबा जाएगा। अब इसके नतीजे बड़े लंबे जाएंगे। हम सीधे तस्वीरें दिखा रहे हैं मायावती के आवाज से। अखिलेश यादव मायावती से मिलने पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं सीधे तौर पर इसे यही समझा जाएगा कि अब मायावती के साथ सीधे तौर पर एक मंच पर आकर चुनाव लड़ने की बात होगी, गठबंधन की बात होगी, क्योंकि अभी तक सिर्फ समर्थन था। अभी तक फौरी तौर पर समर्थन किया गया, बसपा के तमाम कार्यकर्ताओं ने मेहनत के साथ अपने वोटर्स से ये बात की कि आप सपा के कैंडिडेट को वोट दें। लेकिन अब 2019 के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ये बड़ी ऐतिहासिक तस्वीरें हैं। अनिल केंकुर साहब, इन तस्वीरों को देखकर क्या कहा जाए, क्या संदेश दे रही है? देखिए, निश्चित रूप से इन तस्वीरों को देखने के बाद भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम नेताओं के लिए तेज धड़कन करने वाली तस्वीरें हैं, जो काफी मतलब जो अभी इस पहले जो समझौता था, समझौते को लेकर के तमाम वाक्य मतलब डायलॉग बोल रहे थे कि एयरबेयर के दोस्ती है, तमाम तरह तरह के भाषण हो रहे थे। लेकिन आज जो तस्वीर अभी आपने ताजा दिखाई है, उससे निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और उनके समर्थक जो दल है उनके लिए चिंता का विषय है कि अगर वो न चेते तो आगे परिणाम और गंभीर होंगे और जनता उनको करारा जवाब दे सकती है। क्योंकि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का जो आज गठजोड़ दिखा है, उसने जो पॉजिटिव रिजल्ट दिए हैं इन पार्टियों के लिए, उसके परिणाम को देखने मिलेंगे, जैसा मुझे लगता है। तो राकेश त्रिपाठी जी, तस्वीरें देखकर धड़कनें तेज हो रही हैं सर? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती जी की राजनीति का जो स्टाइल रहा है वो किसी के साथ गठबंधन करके ज्यादा दिनों तक चल नहीं सकता है। और राज्यसभा चुनाव के ही परिणाम आ जाने दीजिए और उसके बाद अगर गठबंधन पर आगे चर्चा बढ़ती है तो हमें लगता है रोचक होगा। सीटों का वितरण, सीटों का बंटवारा अगर कर लेते हैं और उसके बाद गठबंधन आगे जारी रखते हैं तो जरूर रोचक होगा। आने वाला समय तय करेगा कि गठबंधन का भविष्य क्या होगा, लेकिन हम अपनी रणनीति जरूर पुनर्विचार करेंगे कि अगर गठबंधन हो ही तो भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से इस जातिवादी तंत्र को तोड़े, सामाजिक समीकरण बनाने के इनके जो प्रयास हैं उसको हम किस प्रकार से खारिज करें और विकास के एजेंडे के साथ जनता को कैसे जोड़े, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की के बदौलत हम कैसे नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को, उनके नेतृत्व को फिर से स्थापित कराने का काम करें। हम इसके लिए एक नई रणनीति के साथ फिर 2019 के चुनाव में मैदान में होंगे। लेकिन अनिल केंकुर साहब, क्या लगता है, क्योंकि अगर आप सीधे तौर पर देखें नतीजों की, अगर पिछले बात करें, वोट बैंक की बात करें और वोट शेयर की बात करें, अगर समाजवादी पार्टी और बसपा का जो वोट शेयर मिला था, जो उन्हें वोट मिला था, दोनों को मिलाकर 50% होता है, भारतीय जनता पार्टी 42 के आसपास थी। और अब अगर जो स्थितियां नजर आ रही हैं उसमें तो यह भी लग रहा है कि कांग्रेस भी साथ आने को बोलेगी, तो वन वर्सेस ऑल वाली स्थिति हो जाएगी।